नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉटिंग। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया यानी कि सहारा सोसाइटी के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2022 को एक बेहतरीन फैसला दिया था, जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का सीधा निर्देश था। और साथ ही सेंट्रल रजिस्ट्रार को कहा गया था कि आपके पास जो भी क्लेम प्राप्त हो उसका आदेश दीजिए, और आदेश देने के बाद वो पैसा अगर देता है तो उसका प्रूफ हमारे पास रिपोर्ट बना करके लाइए। और ये वाला जिन लोगों ने भी क्लेम नहीं किया है वो लोग भी इस वीडियो को देखिए, और जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है वो लोग भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए जानकारी मैं जो लेकर के आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें आपको इधर उधर से बताई जा रही होगी, और अभी हाल ही में ये वाला जो केस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है, और इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो कि अभी तक आपको नहीं बताई गई होगी, या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें बताई जा रही होगी। और जो भी मैं बात बताऊँगा उसका प्रूफ दूंगा, हालाँकि हर कोई यही दावा करता है, लेकिन जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता तब तक मैं उसकी जानकारी नहीं देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने 2020 में सहारा इंडिया सोसाइटी को जमा लेने से या फिर रिन्यू करने से जब रोक लगाया तो वो खुद से जाकर के दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्यों भाई? रोक हटाने के लिए। लेकिन माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने 22/3/2022 को न केवल उस रोक को बरकरार रखा बल्कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिया कि आपके पास जितना भी क्लेम प्राप्त होता है उनका पैसा वापस करवाइए। और इसी के तहत दूसरी जो सुनवाई होती है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर वो 23 मई 2022 को, और जिसके अंदर जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो एक रिपोर्ट रखता है। उस रिपोर्ट को अगर आप चेक कीजिएगा, पीछे हमने एक एक जानकारी दी है, जो आप में से जो लोग भी देख रहे होंगे उनको ये जानकारी होगी। उसमें तकरीबन 67,436 लोगों ने दावा किया था, जिसमें कि 3 सोसाइटी का उन्होंने रिपोर्ट में रखा था, जिसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ने यह भी कहा था कि इन सभी का पैसा वापस नहीं दिया गया है, जबकि सहारा सोसाइटी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमने पैसा दे दिया है लोगों का, जिसके तहत माननीय कोर्ट ने सहारा सोसाइटी को पेमेंट का प्रूफ कोर्ट के समक्ष लाने के लिए कहा, जिसके बाद कंटिन्यू डेट लगता रहा, बीच में स्टे भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी हट गया। और उसके हटने के बाद 30 जनवरी 2023 को जब कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो भारत सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम इस केस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पिटीशन लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद इस मैटर की सुनवाई टाल दी जाती है और अगला डेट 12/4/2023 को दिया जाता है। इसके साथ ही अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है, जिसके बाद हमने आपको बताया था कि हो सकता है मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, जिसके लिए 2 फरवरी 2023 को भारत सरकार की तरफ से और सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है। अब इसमें जो डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ ही इसमें जो सुनवाई 17 मार्च 2023 के बारे में आपको बताया जा रहा है उसकी भी हकीकत बताने जा रहा हूं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि सही तरीके से आपको डायरी नंबर भी दिखे। आप में से जो लोग भी पढ़े लिखे हैं आकर के खुद से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एक का नाम लिखा हुआ है, और इसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये डायरी नंबर सेम है जो कि 9 फरवरी 2023 को फाइल हुआ है 2:58 पे, और केस नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ है रजिस्टर्ड 22/2023 वेरीफाइड 2/3/2023 को। उसके बाद ये जो केस है वो 2 जजों के बेंच के सामने पेश हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, हालांकि लोग अलग अलग जानकारी आपको दे रहे हैं। और अगला जो डेट है इसमें 20/3/2023 शो कर रहा है, और यहाँ पे पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन, यानी कि अभी तक ये केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, यानी कि कोर्ट ने इसको नहीं लिया है, ऐसा दिखाया जाता है नया केस में। जब कोर्ट सुन करके और नोटिस कर देता है तो ये वाला चीज़ हट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके आगे जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पेटिशनर कौन है देखिएगा, तो यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार है और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके पास आप क्लेम करें, यानी कि ये वही केस है जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चल रहा था, और इसका भी प्रूफ मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेस्पोंडेंट यानी कि किसके किसके खिलाफ किया गया है। अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और जबकि यही लोग केस दिल्ली हाईकोर्ट में लेके गए थे, और तीसरा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे एक नया नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको कि ऐड कर गया किया गया है पार्टी के रूप में भारत सरकार की तरफ से। अब आकर के हम इसी में चेक करते हैं कि क्या ये वही दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो मैटर था वही है या कोई और मैटर है। तो इसके लिए आप सीधे नीचे आइएगा, और नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऑफिस रिपोर्ट, जिसको कि आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको 17 मार्च 2023 का डेट दिखाएगा, इस पर हाइपरलिंक है, इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही
ये वाला आपको खुल जाएगा। यहाँ पे आपके आकर के खुद से चेक कर सकते हैं कि वही वाला केस जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करके लाया गया है, और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए आकर के, और केस नंबर भी वो उसका जिक्र किया हुआ है। और यहाँ पे एक और मैटर जो है तेलंगाना का, उसको भी अटैच किया गया है। खैर, हम यहाँ आकर के चेक करते हैं कि 17 मार्च 2023 को क्या ऑर्डर आया, और इसके लिए आपको चेक करना कहाँ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे जजमेंट और ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, यानी कि अभी तक कोई भी ऑर्डर यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया। हो सकता है उस दिन कोई ऑर्डर ही नहीं दिया गया हो, या फिर जो भी बात हो, लेकिन अगली जो सुनवाई है वो 20 मार्च 2023 को दिखा रहा है। अब या तो हो सकता है 20 मार्च को इकट्ठा ऑर्डर आ जाए, ये भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एक जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अब इसके बाद इससे आपका पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इसकी भी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जैसा कि कहा था आपको कुछ बात ध्यान दिलाना चाहूँगा। इसके लिए आपको फिर से एक बार दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पर ले चलूँगा, जहाँ की 22 मार्च 2022 को सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कोर्ट के समक्ष क्या कहा था उसको आपको देखना होगा। इसके लिए जैसे ही आप 22 तीन 2022 के ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर 4 पे आएंगे, 9 पेज का ये ऑर्डर है, और इसी में थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। और आपको पढ़ेंगे मैं एकदम स्पष्ट तौर पर आपको बता दूँ कि यहाँ पे टोटल जो 86,673 करोड़ रुपया जो है वो तीनों सोसाइटी का, यानी कि जमाकर्ताओं से लिया गया है 86,673 करोड़, ध्यान रखिएगा। और कितना पैसा इसमें से निकाल लिया गया है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 62,643 करोड़ यहाँ से भी निकाल करके और एमबी वैली प्रोजेक्ट में लगा दिया गया है। किसका? 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी का 86,673 करोड़ में से इतना निकाल लिया, तो कितना बचा ये देखिए। यही नहीं बल्कि यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो सुब्रतो राय ने भी कुछ पैसे निकाले हैं अपने बेल के लिए, जिसको कि आप आकर के खुद से पढ़ सकते हैं। जो जानकारी मैं दे रहा हूं, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रखा है उसके हिसाब से, यहां पे अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार या सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ले जाया गया, उसमें सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय को भी पार्टी बनाना चाहिए था। और तो और 62,643 करोड़ जो एमबी वैली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया, एमबी वैली प्रोजेक्ट को भी पार्टी बनाना चाहिए था, तब जा करके असली जो निचोड़ होता वो निकलता। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया गया, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा तो मैं एक लेटर तैयार करूँगा, जो कि भारत सरकार को, सेंट्रल रजिस्ट्रार को और चीफ जस्टिस को, या फिर जो केस को जो सुनवाई कर रहे हैं उनको भी भेजूंगा कि इसमें उसको भी पार्टी बनाया जाए। हालांकि हमने आपको जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजने के लिए एप्लीकेशन दिया था, अगर आपने उसको भेजा होगा, और आपको बता दूं कि उसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि सहारा इंडिया में हमने पैसा जमा किया था, या फिर सहारा इंडिया बोल करके हमारा पैसा जमा कराया गया था और पैसा हमारा अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया, और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास हमारा पिटीशन से आप सभी लोगों ने भेजा होगा, जैसा कि मुझे लगता है लाखों लोगों ने भेजा है, और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जो सुब्रत राय है उसको पार्टी बनाना चाहिए था। पार्टी बनाने के बाद ही इस केस का सीधा निचोड़ निकल पाएगा। कल को अगर सुब्रत राय ये कह दे कि हमारा ये सोसाइटी नहीं है तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो सकता है। तो एक बार आप कमेंट्स करके बताइए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि केस ऐसा नहीं है कि एक दिन में इसका फैसला आ जाएगा। अगर फैसला आ भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का फैसला आएगा कि इतना तारीख तक जिन ने उन्हें क्लेम किया उन्हीं को पैसा मिलेगा, तो आराम से क्लेम कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बात लिखवा करके आपसे क्लेम करवा देंगे, उससे कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस सकता है, या फिर हो सकता है आपके एजेंट उससे फंस जाए, क्योंकि कुछ लोग सीधे क्लेम ये करवा रहे हैं कि हमने सोसाइटी में पैसा डाला था, सोसाइटी पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसे में केवल सोसाइटी के ऊपर ही दबाव होगा कि भाई पैसा दो, और उसमें एजेंट को भी मेंबर बना रखा है और अलग अलग पोस्ट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं अगर पैसा नहीं मिलेगा तो एजेंट उसमें फंसेगा। लेकिन हमने जो पिटीशन बना के दिया है उसको भेजेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सुब्रत राय को पार्टी बना करके और पैसा दिलाने की बात होनी चाहिए थी, जो कि सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, जैसा कि आप मनसा देख सकते हैं। अब क्या है, अभी तक आपने अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम नहीं किया है तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे
क्लिक करके आप जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, वर्कर वॉयस सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद हमारा चैनल आपको दिखेगा। चैनल को दिखने के बाद आपको जो भी इसमें सेंट्रल एचआर का या फिर सारा इंडिया का वीडियो होगा उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला डिस्क्रिप्शन कहलाता है और इसी के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, हेलो दोस्तों, सहारा इंडिया में पैसा फंसा है तो ध्यान दे। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले ये जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये हमने लिंक दे रखा है जो कि हमारे ब्लॉग का है। सीधे इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला पोस्ट आपके सामने खुल करके आएगा। हो सकता है आपका नेट स्लो हो तो थोड़ा सा धीरा है, लेकिन इसको आराम से आप पढ़िए। पढ़ने के बाद इसमें पूरी जानकारी दी हुई है और ये वाला वीडियो आपको पहले देख लेना है। और इस वीडियो को देखेंगे तो कैसे कैसे उसको भरना है, कहाँ क्या करना है, कैसे क्लेम करना है, सारा कुछ बताया हुआ है। और पोस्ट के लास्ट में आएंगे तो आपको एप्लीकेशन का कॉपी मिल जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन हमने यहाँ भी लिख दिया है जो एप्लीकेशन के कॉपी में लिखा हुआ है। और लास्ट में आप ये देखिएगा, लेटर टू सेंट्रल स्टार पीडीएफ क्लिक ऑन बिलो लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पे जीमेल लॉगिन नहीं है तो अपना जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लीजिएगा और ये एप्लीकेशन का कॉपी आपको ऐसे दिख जाएगा। दिखने के बाद यहाँ पे देखिए, क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी साइबर कैफे से जा करके इसको प्रिंट कराना है। यहाँ पे हमने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का चर्चा किया है जिसके हिसाब से आपको आपका पैसा मिलना चाहिए। उसके दूसरे पैरे में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया है, 31/8/2012 के अनुसार आपको पैसा वापस मिलना चाहिए था, लेकिन आपका पैसा जबरदस्ती अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया और आपका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आपका ब्याज के सहित कितना पैसा आपको सहारा इंडिया या सोसाइटी से चाहिए, कुल पैसा लिखना है और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। अलग अलग सोसाइटी होगा, हमारा इंडिया, सहारियन, इस तरह से आप लिख सकते हैं और उसका कुल राशि, और इसको जोड़ करके यहाँ पे ऊपर कुल लिख दीजिएगा। बहुत ही इजी है भरना और बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाया है ताकि एक एक आदमी को समझ में आए। यहाँ पे जमाकर्ता यानी कि आपका पैसा है तो आप यहाँ पे साइन कीजिए, और आपके पिताजी का है, आपके पिताजी गुजर गए या फिर गांव में नहीं है, कहीं और है, तो आप शिकायतकर्ता के रूप में अपना यहाँ पे साइन कर दीजिए और नीचे अपना पूरा नाम लिख दीजिए। और उसके बाद अपना पूरा पता लिखिए, कॉरेस्पोंडेंस का मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिखिए, ईमेल आईडी नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। और सभी जो बॉन्ड पेपर है यानी कि सहारा इंडिया की तरफ से जो भी पेपर आपको दिया गया है उसका फोटोकॉपी, इसमें आप देखिएगा फोटोकॉपी लिखा हुआ है और कितना पेज आप पीछे अटैच कर रहे हैं, पेज की संख्या, और इस पते पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। इसके पीछे आपको लगा करके जब इसका कॉपी बना लेंगे और इसके पीछे अटैच कर लेंगे तो उसका भी एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और आपको जो पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करने के बाद एक स्लिप मिलेगा उसको क्या कीजिएगा, फोटोकॉपी में चिपका करके अपने पास संभाल करके रखिए। ध्यान रहे आप अगर कुरियर से भेजते हैं तो आपकी गलती है, साधारण डाक से भेजते हैं तो आपकी गलती है। आप अगर पहले भेज चुके हैं आपको बार बार भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आपके पास इसका एक कॉपी होना चाहिए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। आगे अगर ऑर्डर का कॉपी अपलोड होता है तभी मैं उसकी जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर जज साहब कुछ भी ऐसे बात करेंगे उसका कोई मतलब नहीं जब तक वो ऑर्डर पे रिकॉर्ड नहीं होता है। और बहुत सारे लोग कुछ से कुछ अपने मर्जी से बना रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके सेंटिमेंट के साथ खेलना हुआ, और उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऑर्डर में जो लिखा हुआ है वही बताएं, अपने मर्जी से कुछ नहीं बताएं। मैं भी अपने मर्जी से लोगों को कुछ नहीं बता रहा हूं। दोस्तों इस जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।